लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सर्दियों में रोज पिए हल्दी का पानी, इम्यूनिटी होगी मजबूत और नहीं पड़ेंगे बीमार। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्दी अपने साथ कई तरह की मौसमी बीमारियों को लेकर आती है। इम्यूनिटी मजबूत नहीं होने पर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। बहुत से लोग मौसमी बीमारियों से बचने और इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए बाजार में मौजूद चीजों का सेवन करते हैं। इन चीजों के सेवन से कई बार ठंड से बचाव नहीं हो पाता। ऐसे में सर्दी के बचाव और इम्यूनिटी से बचने के लिए सर्दी में हल्दी का पानी पिया जा सकता है। हल्दी की तासीर गर्म होने के साथ यह शरीर को गर्माहट देने के साथ सर्दी, खांसी, कफ और जुकाम से राहत देती है। हल्दी हर घर में इस्तेमाल की जाती है। ऐसे में इसका पानी बनाना काफी आसान होता है। यह पानी पीने से मेटाबॉलिज्म में तेज होने के साथ वजन घटाने में भी मदद मिलती है। हल्दी में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, विटामिन सी। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हल्दी का पानी पीने के और क्या क्या फायदे हैं। खांसी और जुकाम में फायदेमंद है हल्दी का पानी। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिकल गुण पाए जाते हैं, जो खांसी और जुकाम में राहत देते हैं। हल्दी में मौजूद तत्व खांसी को दूर करने के साथ सीने में जमा बलगम भी दूर करते हैं। ये शरीर को अंदरूनी तौर पर गर्म करके जुकाम से राहत देते हैं। पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है हल्दी का पानी। हल्दी में मौजूद फाइबर पाचन संबंधी परेशानियों को आसानी से कम करता है। सर्दी में अक्सर कब्ज और अपच की समस्या हो जाती है। ऐसे में हल्दी का पानी पीने से पाचन तंत्र हेल्दी रहने के साथ पेट को दुरुस्त रखने में मदद करता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मौसमी बीमारियों से भी बचाव करता है। वहीं हल्दी में मौजूद विटामिन सी और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण सर्दी में होने वाली ठंड, बुखार और शरीर के दर्द से भी राहत देता है। सर्दी में वजन घटाना गर्मी की अपेक्षा कठिन होता है। ऐसे में हल्दी का पानी पीने से वजन घटाने में मदद मिलती है और हल्दी में मौजूद तत्व मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और वजन घटाने में मदद करते हैं। ऐसे में अगर आप वजन घटाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो डाइट में हल्दी का पानी शामिल करें। सर्दियों में अक्सर स्किन पर पिंपल्स और ड्राई स्किन की समस्या हो जाती है। ऐसे में हल्दी वाला पानी पीने से स्किन को पोषण मिलता है और पिंपल्स से भी बचाव होता है। ये पानी शरीर को डिटॉक्सिफाई करके खून को साफ करता है, एजिंग के प्रोसेस को धीमा करता है। हल्दी का पानी बनाने का तरीका क्या है वो आपको बता रहा हूं। हल्दी का पानी बनाने के लिए एक गिलास पानी को गर्म करके आप उसमें क्वार्टर चम्मच हल्दी को डालकर कुछ देर के लिए उबालें। जब पानी उबल जाए तो इसे छानकर गुनगुना होने पर पिए। स्वाद के लिए इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। चॉइस इज योर। शहद मिलाना है, नमक मिलाना है, आप जो चाहें वो मिला सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, या फिर ऐसा ही पी सकते हैं। धन्यवाद।